मम्मी यकीनी सी बात है, शादी के बाद पहली बार आई है मैके, बहुत सारी बातें होंगी आपसे शेयर करने के लिए। जाग रही थी तुम? नहीं नहीं अंदाजा लगाया है। तो आ जाती, इतनी बैठ के हमने बातें की। बहुत दिल चाह रहा था मेरा, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे, कमजोरी सी हो रही थी। अरे रोहिल से कहो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। नहीं मम्मी, 15 दिन बाद है तो मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। चल ठीक। खैर मुझे छोड़, माशाल्लाह तहरीन बहुत खुश लग रही है उसकी, बताएं। मैंने उससे बहुत सी बातें पूछी, उसने भी मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई किया, वरना मुझे तो धड़का ही लगा हुआ था। नौलखा की तरह मम्मी? नौलखा मेरे पास? नूजहां चाची को मालूम है? ऐसी कौन सी बात उनको बताने वाली, और वैसे भी नूरजहां बेगम का तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, तहरीन का है वो। मेरे ख्याल से आप तहरीन को जरा समझा दीजिए, नूरजहां चाची और शफक से जरा मोहतात रहे, वो दोनों बहुत तेज हैं, और तहरीन तो दिलो जान से फिदाए शफक पर। नूरजहां चाची खामोश नहीं बैठेंगी, उसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई जाल बनेगी। जानती हूँ अच्छी तरीके से दोनों माँ बेटियों, बस मेरी तब ये दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए, वरना दुश्मन तो बहुत है इर्द गिर्द। जैन अली आएंगे ना तहरीम को लेने? इंशाल्लाह जैन ही आएगा। तुम मेरी बात को बिल्कुल गलत ना समझना नूरजहां बेगम, तुम वाकई बड़ी हौसले वाली हो, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही भाई साहब, न सही न गलत। नहीं, बड़ा जर्फ है तुम्हारा, किसी गैर की औलाद को पाल पोस के जवान कर दिया, और उस औलाद ने इतनी भी मुरव्वत नहीं दिखाई कि तुम्हारी सगी बेटी का ख्याल रख सके, और तुमने वो 9 लाख उस लड़की के हवाले कर दिया जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी की तबाही का बायस बनी है। वाकई नूरजहां, मैं तुम्हें गलत ही समझता रहा सारी जिंदगी। बस भाई साहब, मैंने तो सारी जिंदगी कुर्बानी ही दी इस घर के लिए। एक और सही, क्या हुआ अगर सिला नहीं मिला तो? बस नूरजहां बेगम, यही बात मुझे बहुत दुख देती है। इस घर का बड़ा होने के नाते तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका, और इस बच्ची के लिए मुझे बड़ा दुख है, बड़ा पछतावा है। वैसे तुम तहरीम को लेने जाओगी? जी हाँ भाई साहब, जाना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। नहीं भाई साहब, मुझे जाने चाहिए, जैन मुझे अपनी माँ की तरह समझता है। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वैसे अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा।